हेलो एवरीवन, मायसेल्फ अशोक शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थ्योरम 6.7 ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9th मैथ्स। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू For getting all my maths videos directly to your device, please subscribe my channel Ashok Sharma Classes. And now today's theorem. What is the statement of the theorem? Let us try to understand and then we will proceed the solution. Dekhiye kya hai. Prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के सभी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कैसे प्रूव करेंगे? 2-3 मेथड्स हैं इसके। मेथड नंबर 1 देखिए, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस थ्योरम का, वो आप समझिएगा क्या हमें करना है। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ओके। मान लीजिए इसका नेम हम लोग रखते हैं ट्राइंगल ABC, इट इज द गिवन ट्राइंगल। वी हैव टू शो सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, एंगल ए, दिस वन एंगल बी, and this one angle C. Sum of angles A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. It is to be proved by us. ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी और बहुत सिंपल थ्योरम है। देखें आप, सबसे पहले गिवन में आपको क्या मेंशन करना है वो आप देखिए। गिवन, बिकॉज ए ट्राइंगल इज गिवन, सो वी कैन राइट डाउन अ ट्राइंगल ABC, दैट्स ऑल। केवल इतना, अगर आप PQR मान लीजिए नेम रखते हैं, देन अ ट्राइंगल PQR, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी नेमिंग आप कर सकते हैं। देखें आगे, टू प्रूव में हमें क्या मेंशन करना होगा, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा टू प्रूव बन गया। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन वर्क हमें करना चाहिए समझिएगा। इस पॉइंट A में से, वैसे किसी भी पॉइंट में से पास कर सकते हैं, बट फिगर हमें सीधा नजर आए, हमारे लिए कन्वीनियंट रहे, इसके लिए पॉइंट A में से हम लोग एक लाइन पास करने वाले हैं। डॉटेड या डार्क भी चाहें तो आप पास कर सकते हो। ये लाइन सपोज करें हमने ड्रॉ कर दी ऐसे, दिस इज लाइन XY। A line XY parallel to the side BC passing through the point A will be drawn. It is the construction. तो देखें आप, construction heading बनाएंगे हम लोग, और construction heading बनाने के बाद इन्हीं words को हमें mention करना है। A line XY parallel to BC and also passing through the point A. इज ड्रॉन। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इज ड्रॉन, पॉइंट ए, ए पॉइंट में से हमने इसको कह लीजिए एक तरह से पास किया है। तो ए पॉइंट में से पास होते हुए एक लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू द साइड BC और ट्राइंगल ABC, ये इसका मीनिंग बन गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए प्रूफ में कैसे आपको स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल और ईजी थ्योरम, बहुत सिंपल और ईजी प्रूफ के वर्ड्स और स्टेप्स। देखें यहाँ से, ये मैं एंगल्स के नंबर यहाँ पर डालता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंड दिस वन इज एंगल 5। एंगल 1, 2 एंड 3 दे आर द एंगल्स ऑन द सेम लाइन XY। हम लोग अपने अर्लियर वीडियोज में, पहले वाले क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों ही क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर वो टू ही एंगल्स हैं, देन वी कैन मैंशन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, द रीजन। बट अगर मोर देन टू एंगल्स हो जाते हैं, देन वी हैव टू राइट डाउन सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए लाइन। एक ही लाइन के ऊपर बने टू से ज्यादा जितने भी एंगल्स हैं, 3 हैं या 300, सभी का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इस रूल को यूज करने वाले, तो देखें पहले तो 1 by 1 चलते हैं। आप समझिएगा मैं किस डायरेक्शन में क्या करने वाला हूं। 1, 2, 3, ये क्या बन गया, जेड टाइप की शेप आप लोग देख सकते हैं। और जेड क्यू बन गया, कंस्ट्रक्शन के वर्ड्स को रिकॉल करें, बिकॉज दिस एक्स वाई एंड बी सी दे आर पैरेलल। तो एक्स वाई का पार्ट एक्स ए, 1, 2, 3, ये भी आपस में एक्स ए एंड बी सी क्या होंगे,
पैरेलल, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल वन एंड एंगल फोर दिस विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो प्रूफ में सबसे पहला काम, बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, और रीजन मेंशन करना है आपको दोनों पैरेलल क्यों हैं, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन. हमने खुद से इनको पैरेलल किया था तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन का रीजन हमने मेंशन कर दिया. सो एंगल वन एंगल फोर, जैसा अभी हमने बोला था, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डाउन एंगल वन इक्वल्स टू एंगल फोर, रिजल्ट नंबर वन. एंड रीजन मेंशन कर दीजिए, बिकॉज दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, आपस में इक्वल होंगे. सिमिलरली राइट साइड में भी देखिए, वन टू थ्री, वही फिर से जेड टाइप की शेप राइट साइड में भी बनती नजर आ रही है. तो इधर भी एंगल थ्री एंड एंगल फाइव विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. सिमिलरली करके मैंशन कर दें, एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फाइव, रिजल्ट नंबर टू. क्योंकि सिमिलरली मीन्स वही रूल फिर से हमने अप्लाई किया है, तो दोबारा से रीजन मैंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. And now, because xy is a line, यहाँ से आप देखें अलग से, this is xy, this is line xy, और इसके ऊपर ये तीन angles हैं, वन टू थ्री, सभी तीनों angles का sum अगर आप add करते हो तो देखिए 180 degree type की shape बनती हुई नज़र आती है. तो इन तीनों angles का sum क्या होने वाला है, 180 degree, वो हमने यहाँ पर अब mention करना है. और वो कैसे लिखेंगे देखें आप, because xy is a line, ये हमारे पास एक्स वाई इज़ ए लाइन, वो आपके पास कह लीजिए एक तरह से बाई कंस्ट्रक्शन में हमने किया ही था. दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट डाउन एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इन तीनों ही एंगल्स का सम हमारे पास कितना बनता हुआ लग रहा है, 180. अभी किया ही था हमने कि 180 क्यों है, रीजन मैंशन कर दो, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए लाइन, सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन के ऊपर बने हुए सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ये हमारे पास इसका रीजन बन गया, 1 + 2 + 3, ये तीन एंगल्स थे हमारे पास, इस टाइप से बन गए. लेकिन एंगल वन किसके इक्वल है, देखिए फोर के, इट मींस दिस एंगल वन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल फोर. सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फाइव हमने प्रूव किया, सो दिस एंगल थ्री कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय एंगल फाइव. और वी कैन राइट डाउन एंगल वन को रिप्लेस कर दीजिए एंगल फोर से, प्लस एंगल टू एज इट इज रहने वाला है, प्लस एंगल थ्री उसकी जगह पे कौन आ गया, एंगल फाइव, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इन दोनों को ही क्यों रिप्लेस कर दिया, कौन से रिजल्ट को यूज कर दिया हमने, वो आप मेंशन कर दीजिएगा, यूजिंग वन एंड टू, रिजल्ट नंबर वन एंड रिजल्ट नंबर टू को हमने यूज किया. नाउ एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव इक्वल्स टू 180, एंड व्हाट आर दीज, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी. देख सकते हैं 4, 2, 5, ये हमारे पास बन गया. सो दिस इंप्लाइज इन तीनों एंगल्स का नेम क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट्स ऑल. तो ये हमारे पास थी थ्योरम 6.7. हमारे सिलेबस में यही टू थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ हमें ज़रूरत पड़ती है. एक थ्योरम 6.1, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो हमने प्रूव किया था हमारी अर्लियर वीडियो में. और ये सेकंड थ्योरम है थ्योरम 6.7, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो गिवन आपके पास है ट्राइंगल एबीसी, प्रूव करना है सभी तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है. कंस्ट्रक्शन पॉइंट ए में से पास करते हुए एक लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू द साइड बीसी हमने ड्रॉ कर दिया. देन आफ्टर प्रूफ के अंदर क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है, सो एंगल वन एंड फोर दे आर इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव दे आर ऑल्सो इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड नाउ बिकॉज ए एक्स वाई इज ए लाइन, सो सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स 1, 2 and 3 ऑन दिस लाइन विल बी इक्वल टू 180. एंगल वन एंगल फोर के इक्वल है, वन को फोर से रिप्लेस कर दिया. एंगल थ्री एंगल फाइव के इक्वल है, एंगल थ्री को फाइव से रिप्लेस कर दिया. एंगल फोर प्लस टू प्लस फाइव 180. इन तीनों का नेम अगर आप यह मेंशन करते हो तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 बन जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्मॉल एंड वेरी इजी थ्योरम 6.7. तो यहां से
आप इसको समझिएगा। लोअर क्लासेस से रूल को आपने यूज तो बहुत बार किया है, लेकिन इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे प्रूव कर देना चाहिए, वो हमने अभी देखा। क्लियर? तो आप इसको तैयार करें। इस रूल को हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस में। जब आप वहां पे सोल्व करने वाली वीडियोस को देखोगे तो आप देखिएगा इस रूल को हम लोग कई बार यूज करने वाले हैं। ओके, तो आप तैयार करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं और कह लीजिए 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।